का स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर सोनिया गांधी कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 23 जून को सोनिया गांधी को ईडी रखा, लेकिन अब कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। ये आम जानकारी आपको बता दें, 23 जून को सोनिया गांधी को पेश होना था ईडी दफ्तर में, लेकिन कल यानी 23 जून को ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कल नहीं जाएंगी ईडी दफ्तर, तो कल सोनिया गांधी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी, क्या वजह अब दी गई है? क्योंकि इसके पहले कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद 23 जून की तिथि सुनिश्चित थी, लेकिन अब कल भी नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। रिसेंटली जो है सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थी, जहां उनके भी कुछ दिन पहले छुट्टी हुई है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, और अभी जब उनकी हॉस्पिटल छुट्टी हुई थी तो उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब सोनिया गांधी हो सकता है कि 23 तारीख को पेश ना हो और ईडी को बाकायदा इसके लिए अवगत कराया जाए। और वही चीजें सामने आ रही है। जो पहला समन दिया गया था वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगभग एक साथ दिया गया, तब से राहुल गांधी लगातार ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, और सोनिया गांधी ने उस समय भी अपनी सेहत का हवाला दिया था, जिस वजह से दिन उन्होंने वक्त दिया। और अब 23 जून यानी कल पूछताछ होनी थी, और एक बार फिर सोनिया गांधी ने ईडी से कहा है कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं, उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए, जिससे कि वो ईडी ऑफिस जो उन्हें समन किया गया है उसके लिए पूछताछ के लिए भी हाजिर हो सके। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उम्मीद है ईडी की तरफ से भी बयान आएगा, और हो सकता है कि ईडी सोनिया गांधी और ज्यादा समय दे, क्योंकि मीडिया की में जो लगातार खबरें चली है, खुद सोनिया गांधी कई दिनों तक जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रही है, उसके बाद रिसेंटली डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक जो है उन्हें घर में आराम करने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, यानी अभी और वक्त जो है वो मांगा है। क्या लगता है कि क्या अभी और लंबा वक्त जो है वो इनको दिया जा सकता है सोनिया गांधी को? क्योंकि राहुल गांधी से अगर पूछताछ की बात करें तो हम देख पा रहे हैं लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ होती है, अगर एक ही दिन की बात करें तो 8 से 9-10 घंटों तक पूछताछ चलती है। क्या सोनिया गांधी से भी जब पूछताछ शुरू होगी इस तरह से ही होगी, और कब तक फिलहाल पेश हो सकती है, कोई जानकारी है क्या अमित जी से जुड़ी? देखिए, सबसे बड़ी चीज की जैसा मैं बता रहा था कि लगभग दोनों लोगों के एक साथ ही समन किया गया था। अब चूंकि पिछली बार सेहत का हवाला दिया था, और रिसेंटली जब उन्होंने समय मांगा था तो ईडी ने उन्हें समय दिया भी था, और उसके बाद सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो जाहिर तौर पर उनकी रिपोर्ट जो थी जिस तरह पॉजिटिव थी, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, उम्मीद यही की जा रही है कि अब कुछ दिन का समय ईडी सोनिया गांधी को और दे सकती है। राहुल गांधी जहां तक पूछताछ की बात है, उनकी 5 दिन लगातार हुए, 5 दिन जो पूछताछ हुई है तो उसके बाद फिर ईडी ने आगे समन नहीं किया। कल की जो खासतौर पे जो पूछताछ राहुल गांधी के साथ पूरी हुई, और उसके बाद फिर ईडी ने राहुल गांधी को अगला समन नहीं किया है, क्योंकि अब पूछताछ जो है वो सोनिया गांधी से होनी है, और ऐसे में सेहत जिस तरह की सोनिया गांधी की बनी हुई है उससे लगता है कि ईडी कुछ और वक्त जो है वो सोनिया गांधी को देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यह अहम खबर दिल्ली से, जहां पर सोनिया गांधी कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी।